महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं, पर क्या कभी आपने वेजाइनल हेल्थ के बारे में सोचा है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति जो है खुलकर बात नहीं करना चाहता, पर ये बात करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज के दौर में जब हम जी रहे हैं, हमारा खाना पाना या फिर हम बात करें लाइफ स्टाइल की, तो वो पहले जैसा नहीं रहा है। तो इसको लेकर के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो फीमेल्स को आते हैं, और सबसे बड़ी बात डॉक्टर तक पहुँच पाना ही एक बड़ी चुनौती हो जाती है। हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट प्रियंका शर्मा है, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि वेजाइनल हेल्थ जो है उसे किस तरह से ठीक रखा जा सकता है। मैम, ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोग शर्माते हैं इस पर बात करने के लिए, फर्स्ट टाइम जो है अब यहाँ पर पंजाब में इसको लेकर के क्लिनिक स्टार्ट किया गया है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह रखी है, क्यों ही इसको चुना गया? सो इसके पीछे की वजह ये थी कि एक तो अब हमारे पास मेडिकल फील्ड में इतनी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी हैं कि पहले जिनके लिए फीमेल्स को सारा टाइम कोई ट्रीटमेंट बहुत सूटेबल नहीं मिलता था, दे हैड टू सफ़र फ्रॉम बार बार वेजाइनल इन्फेक्शंस होती थी, या यूटीआई रहता था या एसयूआई रहता था, और फीमेल्स को अल्टीमेटली इन द एडवांस एजेस में जाके सर्जरीज करवानी पड़ती थी इसके लिए। सो अभी दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के जिसमें उनको सर्जरी से रिलीफ मिल सकता है, एंड देन बिना किसी हॉस्पिटल एडमिशन के उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी अपकमिंग, इस टाइम पे ये हमारी सब स्पेशलिटी है, सो इसलिए वी हैव ऑप्टेड फॉर दिस न्यू टेक्निक। मैम, इसकी अगर बात की जाए तो क्या लक्षण होते हैं जब हमें पता चलता है कि इस तरह की बीमारी हमें कॉज हुई है? क्योंकि रूटीनली हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हाइजीन प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर के पास जाना जो है वो ज़रूरी नहीं समझते। हाँ जी, सो देखिए, बेसिकली फीमेल्स की लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं। उसका जब प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ वेजाइनल डिलीवरीज़ के बाद में पेशेंट की वेजाइना में बहुत लैक्सिटी रहती है, जिसकी वजह से जो वेजाइना में है बहुत तरह की इन्फेक्शंस डिस्चार्जेस के इश्यूज रहने लग जाते हैं। प्लस उसको जैसे एसयूआई, जिसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें छींकने से या खांसने वक्त या वेट उठाने वक्त या नीचे बैठते वक्त पैरों के बल यूरिन का लीकेज होता है, सो वो रहता है, या बच्चेदानी बाहर निकलने लग जाती है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फीमेल्स में आती हैं, ये इनके सिम्टम्स रहते हैं। और ऐसे ही अगर हम बात करें मीनोपॉज की, तो मीनोपॉज के दौरान में जो पेशेंट को बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस रहने लग जाती हैं, विजाइना में इचिंग रहती है, या फिर बर्निंग सेंसेशन हमेशा फील होती रहती है, सो ये सब जो चीज़ें हैं ये फीमेल को डे टू डे लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब होती है। वो बाहर जाने से झिझकने लग जाती हैं कि जहाँ पे टॉयलेट ना हो, दे डोंट प्रेफर गोइंग आउट, अगर जाना है तो डायपर्स, दे नीड डायपर्स फॉर दैट, या फिर लंबे समय के लिए बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में ही नहीं जाती हैं कि दे माइट नीड टू चेंज। सो इस तरह से उनकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होती है। सो जैसे कि मैंने भी बात की कि हमारा लाइफस्टाइल वैसे का हेल्दी नहीं रहा है जैसे पहले होता था, तो इन सभी को लेकर क्या चेंजेस आते हैं और इसका किस तरह से ध्यान रखा जा सकता है? लाइफस्टाइल में जो अभी चेंजेस हैं, सबसे बड़ी चेंज ये है कि हम सब अब मोर ऑफ सिटिंग जॉब्स में हैं, हम लोगों का जो एक्टिव काम था वो सब बहुत कम हो गया है। सो एक तो हमें फ़िज़िकल वर्कआउट मॉडरेट इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा नहीं, 30 से 45 मिनट डेली अपनी लाइफ में रखना चाहिए। प्लस जो हमारा जंक फूड की तरफ को बेंट है, उसको छोड़कर वापस हमारा जो इंडियन फूड है, दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर अस, उसी में ही रहना चाहिए। और जैसे आजकल बहुत सारे लोग स्मोकिंग में इंडल्ज हो रहे हैं, सो वी शुड कमिट स्मोकिंग, तो वो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। घबराते बहुत हैं लोग गायनी के पास जाने के लिए, तो इसका क्या, एक तो रीज़न मैं खुद आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पेशेंट्स जो आपके पास आते होंगे तो डेफिनेटली उस स्टेज पर आते होंगे जब वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप लोगों के उनके साथ कंसल्टेंट भी जो भी रहता है, तो इस मामले में आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, यस, फीमेल्स बात कम करती हैं इस बारे में, उनसे रादर हम ओपीडी में तो उनसे पूछते हैं कि ये भी सिम्टम है क्या, ये भी सिम्टम है, सो वी हैव टू आस्क देम लीडिंग क्वेश्चंस कि ऐसा क्या महसूस होता है। ये है, बात कम करने का रीज़न ये हो सकता है कि घर में
फैमिली मेम्बर से शायद वो खुल के बात नहीं करती, या एक ये डर रहता है कि पता नहीं क्या ही निकल आएगा. सो आई थिंक वी शुड कम ओवर दिस थिंग. हमें अपनी फैमिली में बात करनी चाहिए अगर हमें कोई परेशानी है, या अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए खुल के कोई परेशानी है. बिकॉज हर बीमारी का इलाज सर्जरी है ऐसा नहीं है. अभी हमारे पास बहुत सारा अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स भी हैं, और हर बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक्स भी नहीं है कि जो पेशेंट बिना पूछे या ओवर द काउंटर परचेज करके खा लेते हैं खुद से. सो इवन वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. इस कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए और ये गैप को कम करने के लिए तो किस तरह से आप सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि एक गायनी होने के नाते मुझे लगता है कि फीमेल्स को आपके पास तब भी आना चाहिए जब वो या तो अंडर एज हो या फिर मैरिज से पहले भी अगर उनको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है. तो इसमें तो एक ये हम जो आजकल एडवाइस करते हैं कि मैरिज के वक्त आप एक कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग ज़रूर लें. उसमें ये पता रहता है, उसमें हम ये बताते हैं कि अगर आपको अभी प्लान नहीं करना है तो कब प्लान फैमिली करना चाहिए, और उसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे रोक सकते हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेबल वे फॉर यू. सेकंड इज़ कि रिसेंटली मैरिड कपल्स को वी एडवाइस प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, कि वेन एवर यू आर रेडी टू प्लान अ फैमिली तो उसमें वो कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूर लें, सो दैट कि पता रहे कि इज़ देयर एनी इशू विद योर कंसेप्शन, या फिर कब तक हमने प्लान करना है. वी एक्सप्लेन वेल द फर्टाइल पीरियड, किस टाइम में पेशेंट को प्लान करना चाहिए. सो ये दीज थिंग्स कैन बी टेकन केयर. प्लस आप जब तक आप अपने बारे में बात नहीं करोगे तब तक कोई भी उस बारे में बात नहीं करेगा. सो हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके खुद बात करनी है. आप अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं. और आपसे जानना चाहेंगे क्या ये इश्यूज़ जो हैं इसके सिर्फ मैरिज जो लोग करते हैं या मैरिड लोगों को ही आते हैं, या फिर जिस तरह से देखा जाता है छोटे बच्चों में ही, अगर लड़कियां अभी थोड़ा 10-1 साल की 12 साल की हुई हैं तभी से उनको मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहे हैं या फिर इरेगुलर पीरियड्स चल रहे हैं, तो क्या ये दिक्कतें उनको भी आ रही हैं? पीरियड्स 8 से अगर 16 साल के बीच में आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है, वो स्टार्ट होना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड मेनार्क. और 1-2 साल लग जाता है पीरियड को अच्छे से एस्टेब्लिश होने में, तो अगर 1-2 साल में पीरियड्स ऊपर नीचे आ रहे हैं तो दैट इज़ ओके. बट वी जस्ट गिव द न्यूट्रिशनल काउंसलिंग उस टाइम पे, और न्यूट्रिशनल थेरेपीज़ ही हम देते हैं. वी प्रेफरेबली डोंट यूज़ हॉर्मोन्स इन दैट पीरियड. बट वंस आफ्टर 1 ईयर और मैक्सिमम आफ्टर 2 ईयर्स, अगर उसके बाद में भी पीरियड्स ऐसे ही इरेगुलर रह रहे हैं तो देन We do all the hormonal assessments and ultrasounds to see what is the reason, ऐसा क्यों हो रहा है, and then we work on that thing. तो ये थे हमारे साथ गायनी प्रियंका शर्मा, जिन्होंने जानकारी दी है कि वेजाइनल हेल्थ जो है नॉर्मल हेल्थ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि समय निकल जाने के पास डॉक्टर के पास जाना और उनको कहना कि अभी से बिल्कुल ठीक कर दीजिए शायद उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. आपको भी अपना ख्याल उसी तरह से जिस तरह से बाकी बॉडी पार्ट्स का रखते हैं उसी तरह से वेजाइनल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत परेशानी जो है आपको फ्यूचर में ऐसी ना हो. वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत.